Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Adhyaksh Modi, ye sarkar kisi aur ka record banaye na banaye, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। द मिनिस्टर हैज ब्लेम्ड एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा सब। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। इफ यू आर रिच एंड इफ यू हैव मनी यू कैन बाय द इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम। देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा क्या। अध्यक्ष मोदी ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष मोदी मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष मोदी मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे, लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे। 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की। ओके, अध्यक्ष महोदय मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी। ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी, इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं। और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज। राहुल गांधी जी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्पीकर सर, इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री, इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री दैट देर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आर examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here.
Millions of people believe that if you are rich, if you are rich, if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. Question mein chal raha hai abhi. Please. Ab main mantri ji main ek baar bol du is baat pe. Chalo mantri ji aap short mein jawab do phir main bol hi deta hu aaj. Aap short mein jawab dena phir. Adhyaksh mohoday, mere jo shiksha hai, mere jo sanskar hai, mere jo samajik jivan hai, mere ko मेरे राज्य की मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है. मैं किसी की मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए. देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है. मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को. बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब. साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर. मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ. बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर. जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे. उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना. सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए. क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा किया, किसके दबाव में उठा किया, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठा किया था. सच सुनने की सामने ही है ये. मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठा किया, ये हमको प्रश्न पूछते हैं.